बांग्लादेश में इसमें अराजकता फैली हुई है, आगजनी हो रही है, हिंसा हो रही है, लूट हो रही है, घर जलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री देश छोड़ के भाग गई है। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति तोड़ दी गई है। पुलिस ने, वहां की सेना ने पूरी कमान अपने हाथ में ले लिया है। भारत में भी ऐसे आंदोलन होते रहे, कभी भारत ने तख्ता पलट किया क्या? कभी भारत के किसी प्रधानमंत्री को भागना पड़ा क्या? कभी भारत के राष्ट्रपति को भागना पड़ा क्या? कभी भारत के चीफ जस्टिस को भागना पड़ा क्या? नहीं। इसलिए मैं भारत के माननीय सांसदों, विधायकों, मंत्रियों, हाईकोर्ट के जजों और सुप्रीम कोर्ट के जजों से बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन कर रहा हूं कि आप पूरी दुनिया में जो हो रहा है उसको समझिए और उसके हिसाब से भारत के लिए योजना बनाइए। पाकिस्तान भारत का हिस्सा था 1947 में, वो हिंदुस्तान कहलाता था। कितनी बार सेना ने वहां पे तख्ता पलट कर दिया, कितनी वहां पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, कितनी बार वहां पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा गया, कितना ज्यादा वहां आतंकवाद है, जिहाद है, मजहबी उन्माद है, कितने बड़े पैमाने पे वहां पे हिंदुओं को खत्म किया गया। बांग्लादेश को देख लीजिए, 1947 में बांग्लादेश भी हिंदुस्तान था, ईस्ट बंगाल था, ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बन गया, वेस्ट पंजाब जाके पाकिस्तान बन गया। बांग्लादेश की स्थिति आज आप देख लीजिए। गंधार, दुर्योधन का ननिहाल अफगानिस्तान भी हिंदू राष्ट्र था। अभी आपने कुछ ही समय पहले देखा था किस तरीके से लोग हवाई जहाज का टायर पकड़ पकड़ के भाग रहे थे। जब वहां पर अराजकता फैली, अशांति फैली, तो राष्ट्रपति छोड़ के भाग गए, आम जनता वहां पीटी, और आज की डेट में अफगानिस्तान में एक आतंकवादी संगठन जिसको तालिबान कहते हैं उसका राज चल रहा है। भारत में संविधान चल रहा है क्योंकि यहां हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में लोकतंत्र है क्योंकि यहां हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में राजनीतिक स्थिरता है क्योंकि भारत में हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में सबको समान न्याय मिलता है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में सबको समान अवसर मिलता है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। भारत के 80% बूथों पे शांति से इलेक्शन हो जाता है क्योंकि भारत में उन बूथों पे हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में जहां जहां हिंदू खत्म हुआ है वहां पे पॉलिटिकल बूथों पे हिंसा भी होती है। आप बंगाल में देख लीजिए, कश्मीर में देख लीजिए, बाकी स्थानों पे देख लीजिए। तो ये बहुत सोचने की बात है कि भारत का भविष्य 20-25 साल के बाद क्या होगा। आज की डेट में हम भी बहुत तेजी के साथ उसी रास्ते पे जा रहे हैं जिस रास्ते पे कभी पाकिस्तान में हुआ था और बांग्लादेश में हुआ था। चलो और छोड़ लीजिए, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में आगजनी फैली हुई है, फ्रांस में इसके पहले आगजनी फैल चुकी है, यूरोप में पूरी आगजनी फैली हुई है। कौन फैला रहा है? बाकी यूरोप और इंग्लैंड में आगजनी कौन फैला रहा है? घुसपैठी है। और भारत में तो 5 करोड़ घुसपैठी है, 2017 में आ गए थे, मेरी PIL सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। भारत की सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी हुआ है, केंद्र सरकार को नोटिस जारी हुआ है। ये बड़े दुख की बात है कि आज तक किसी राज्य सरकार ने बताया कि घुसपैठियों को निकालने पर उनकी क्या योजना है, न केंद्र सरकार ने बताया। तो ये बहुत बड़ा अलर्ट है। हमको अफगानिस्तान से भी सीखना चाहिए, पाकिस्तान से भी सीखना चाहिए, बांग्लादेश से भी सीखना चाहिए, इंग्लैंड में जो हो रहा है उससे भी सीखना चाहिए, और यूरोप में जो हो रहा है उससे भी सीखना चाहिए। ये भारत में जो कहते हैं ना हिंदू हिंसक होता है, अरे हिंदू हिंसक होता तो आज के डेट में भारत में बहुत कुछ चेंज हो गया होता। हिंदू हिंसक नहीं है, इसीलिए भारत में संविधान है, भारत में कानून है, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देता है वो बाकायदा इंप्लीमेंट हो जाता है, संसद में जो कानून बनते हैं वो भी अडॉप्ट हो जाते हैं। नहीं तो हमने CA के कानून में देखा हुआ था, एक CA कानून बना था, कैसे देश में पूरी आगजनी हो गई थी, और आज तक उस CA के कारण, CA कानून बनने के बाद भी भारत में रह रहे जितने शरणार्थी थे बेचारे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान को नागरिकता आज तक भी सबको नहीं मिल पाई है। समाधान क्या है? मैं बार बार कहता हूं, दल गुलामी छोड़ दीजिए, नेताओं की गुलामी छोड़ दीजिए। नहीं तो जैसे अफगानिस्तान के राष्ट्रपति फुर्र हो गए थे, भाग गए थे जब वहां हिंसा बढ़ी, आज बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भी अपना सुरक्षित निकल गई हवाई जहाज लेके, पाकिस्तान में भी मुशर्रफ निकल गए थे अपना हवाई जहाज लेके। जिस दिन भारत में आगजनी बढ़ेगी, भारत में हिंसा बढ़ेगी, तो जिन नेताओं के भरोसे आप बैठे हुए हैं, जिन पॉलिटिकल पार्टियों के आप भरोसे बैठे हुए हैं, जिनकी आप सुबह से लेकर शाम तक जय जयकार कर रहे हैं, ये आपको बचाने के लिए आप नहीं आएंगे, ये सबसे पहले जाएंगे। जैसे बांग्लादेश की, जैसे आगजनी बढ़ी, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री निकल गई, पाकिस्तान में आगजनी बढ़ी, वहां राष्ट्रपति निकल गए, अफगानिस्तान में आगजनी बढ़ी, वहां के राष्ट्रपति निकल गए, वहां बची कौन? मरने के लिए, पिटने के लिए, अत्याचार के लिए बची कौन? अत्याचार सहने के लिए वहां की जनता। तो यही हालत आपके भी साथ होगा, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, दल गुलामी छोड़ दीजिए, पार्टियों की गुलामी छोड़िए, नेताओं की जय जयकार छोड़िए, कठोर कानून की मांग करिए। भारत के 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। इसका मतलब ये हुआ 25% राज्यों की डेमोग्राफी, 25% जिलों की और 25% तहसीलों की। तो जो ये 25% जिलों से, 25% तहसीलों से, 25% राज्यों से हिंदू खत्म हुए हैं, वहां की स्थिति क्या है ये कहने की जरूरत नहीं है। समाधान क्या है? सबसे पहले घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून बनाया जाए, घुसपैठ को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया जाए, घुसपैठ को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित किया जाए, घुसपैठ को देशद्रोह घोषित किया जाए, घुसपैठ को वेजिंग वॉर डिक्लेयर किया जाए, घुसपैठ को
ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर किया जाए और घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ एनएसए यूएपीए वेजिंग वॉर देशद्रोह और गैंगस्टर एक्ट लगाया जाए, घुसपैठियों और उनके मददगारों की 100% संपत्ति जब्त किया जाए, उनकी नागरिकता खत्म किया जाए, उनको आजीवन कारावास फांसी दिया जाए, वो भी फटाफट एक साल के अंदर, तब जाके घुसपैठिए अपने आप भागेंगे। और घुसपैठिए नहीं भागे तो लिख के रख लीजिए, जैसे ये अफगानिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, इंग्लैंड में हो रहा है, अफगानिस्तान में हो रहा है, ऐसे ही भारत में होगा और ज्यादा से ज्यादा 20 साल के अंदर होगा, 100% होगा, हमारे आपके देखते देखते होगा। अगर भारत को बचाना है, धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करिए, धर्मांतरण को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करिए, धर्मांतरण को देशद्रोह घोषित करिए, धर्मांतरण को वेजिंग वॉर डिक्लेयर करिए, धर्मांतरण को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर करिए और धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों के खिलाफ एनएसए लगाइए, यूएपीए लगाइए, वेजिंग वॉर की धारा लगाइए, देशद्रोह की धारा लगाइए, गैंगस्टर एक्ट लगाइए, घुसपैठी और उनके मददगारों की 100% संपत्ति जब्त, धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों जिहादियों की 100% संपत्ति जब्त करिए, धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों जिहादियों और उनके मददगारों की नागरिकता खत्म करिए, आजीवन कारावास की और फांसी की सजा दीजिए और वो भी एक साल के अंदर, तब धर्मांतरण रुकेगा। और तीसरा, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर कानून बनाइए, हम दो हमारे दो सबके लिए मैंडेटरी करिए, जो हम दो हमारे दो न माने उसकी नागरिकता खत्म करने का प्रावधान करिए, भारत का संविधान इसकी इजाजत देता है, आर्टिकल 11 में लिखा हुआ है कि संसद ऐसा कानून बना सकती है कि नागरिकता कब लेनी है, नागरिकता कब देनी है। तो जैसे वोटर आईडी जब देते हैं तो टर्म्स कंडीशन भी 18 साल का हो जाएगा तब वोटर आईडी में, तब वोटर आईडी मिलेगा, पासपोर्ट देते हैं टर्म्स कंडीशन होती है, ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं तो भी टर्म्स कंडीशन होती है, अगर आदमी नहीं मानेगा तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस सीज हो जाएगा, अगर पासपोर्ट का वायलेशन करोगे पासपोर्ट सीज हो जाएगा, हर जो भी डॉक्यूमेंट बना के देते हैं उसकी टर्म्स कंडीशन होती है, ऐसे ही एक नागरिकता की टर्म्स कंडीशन होगी, अगर भारत में धर्मांतरण करोगे, अगर भारत में हम दो हमारे दो नहीं मानोगे तो आपको भारतीय नहीं माना जाएगा, यही तरीका है। नहीं तो आप याद रखिएगा, अफगानिस्तान हिंदू खत्म, पाकिस्तान हिंदू खत्म, बांग्लादेश हिंदू खत्म, भारत के 9 राज्यों से हिंदू खत्म, भारत के 200 जिलों से हिंदू खत्म, भारत की 1500 तहसीलों से हिंदू खत्म, भारत के बॉर्डर पे जो 300 तहसीलें हैं उनमें 300 की 300 तहसीलों से हिंदू खत्म हो चुके हैं, पलायन कर चुके हैं, बड़े पैमाने पर पलायन कर रहे हैं। ये नेता जैसे शेख हसीना लंदन जा रही हैं या जहां भी जा रही हैं, ऐसे भारत के नेता भी, कोई इटली भाग जाएगा, कोई ऑस्ट्रेलिया भाग जाएगा, कोई लंदन भाग जाएगा। आप जिन नेताओं के भरोसे बैठे हुए हैं, ये सारे नेता या तो लंदन में अपना फार्म हाउस बना चुके हैं या ऑस्ट्रेलिया में अपना फार्म हाउस बना चुके हैं, अलग अलग देशों में जहां जहां इनको सुरक्षित लगता है वहां अपना फ्लैट भी खरीद चुके हैं, बंगलों भी बना चुके हैं, फार्म हाउस बना चुके हैं। जिस दिन 20 से 25 साल के बाद भारत में आगजनी होगी, ये पहले निकल जाएंगे, क्योंकि इनको पुलिस पहले अलर्ट दे देगी, पुलिस इनको पहले बता देगी ये होने वाला है, ये चुपचाप निकल जाएंगे और बचोगे आप और हम। जैसे पाकिस्तान में इतनी हिंसा हुई 1947 में, कोई नेता नहीं मारा गया, कौन वहां फंसा, आम जनता। बांग्लादेश में इतनी हिंसा हुई, राष्ट्रपति पहले निकल गया, कोई नेता नहीं मारा गया, प्रधानमंत्री पहले निकल जा रही है, कोई नेता नहीं मारा गया, फंसी है कौन वहां, आम जनता। अफगानिस्तान में राष्ट्रपति पहले निकल गए, कोई नेता नहीं मारा गया, फंसा कौन अफगानिस्तान में, आम जनता। इंग्लैंड में देख लीजिए जो आगजनी हो रही है, कोई नेता नहीं मारा जा रहा है, आम जनता पिट रही, आम जनता का घर जल रहा है। फ्रांस में देख लीजिए, कोई नेता नहीं मारा गया, आम जनता वहां पिट रही, आम जनता फंसी हुई है। यूरोप में आगजनी हो रही है, कोई नेता नहीं मारा गया है, आम जनता फंसी हुई है। ये कड़वी सच्चाई है, हालांकि इस कड़वी सच्चाई को शायद आप ठीक नहीं समझेंगे, आपको नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन ये कड़वी सच्चाई बताना मेरा काम है। समाधान है यूनिफॉर्म पुलिस कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड, यूनिफॉर्म पॉपुलेशन कोड, यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड। समाधान एक ही है, न कोई विशेष दर्जा किसी को रहे, सब एक, सबको एक समान मिलाया जाए, रिलीजन के आधार पर जितने कानून हैं इनको खत्म किया जाए, ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी का जो खेल है इसको बंद किया जाए, ये मुगलिया जो स्कूल चल रहे हैं भारत में, आज भी जो मदरसे चल रहे हैं इनको बंद किया जाए, अंग्रेजों के द्वारा शुरू किए गए मिशनरी स्कूल बंद किए जाए, भारत में सबके लिए समान शिक्षा हो, समान नागरिक संहिता हो, घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून हो, धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून हो, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर कानून हो, यही समाधान है। नहीं तो याद रखिएगा, जैसे अफगानिस्तान से खत्म हुए, पाकिस्तान से खत्म हुए, बांग्लादेश से खत्म हुए, जैसे बांग्लादेश जल रहा है, ब्रिटेन जल रहा है, अफगानिस्तान जल रहा है, पाकिस्तान जल रहा है, ऐसे ही पूरा भारत जलेगा। और वही दूर नहीं, 20 से 25 साल के अंदर जिन पॉलिटिकल पार्टियों के भरोसे बैठे हैं वो कुछ नहीं करेंगी, जिन नेताओं के भरोसे बैठे हैं वो पहले भारत छोड़ के भाग जाएंगे।